ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं श्रवण सर फिर आपके सामने क्लास नाइन्थ के सेकेंड वीडियो को लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में. डिवीज़न एल्गोरिदम ये क्या है, इस डिवीज़न एल्गोरिदम को अभी हम लोग देखेंगे. इस वीडियो में डिवीज़न एल्गोरिदम और रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे. आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा. ये डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, ये आप बहुत पहले से जानते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमें 3 से 11 को डिवाइड करना है, सो इट विल बी 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर विल बी 2. सो आप तो जानते हो ये क्या है, डिवाइजर है, दिस इज डिविडेंड, ये डिविडेंड है, दैट इज कोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर. ये क्या है, रिमाइंडर है. तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको जब चेक करते थे पिछली कक्षाओं में, तो हम क्या लिखते थे, चेक करते समय हमने लिखा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, यही तो चेक करते थे ना हम लोग. तो उस समय न बता करके अभी आपको बताया जा रहा है कि ये जो आप उस समय करते थे ना, दैट वाज डिवीज़न एल्गोरिदम. तो डिवीज़न एल्गोरिदम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो यहाँ देखिए. इसको डिफाइन करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि हम क्या करें इसको. सबसे पहले इफ पी एक्स एंड if px and gx are two polynomials or algebraic expression, if px is divided by gx, we get qx as quotient and rx as remainder. See, it is very easy. px और gx दो polynomial है. अगर हम इसमें px को divide करते हैं किससे, gx से, तो हमें quotient के रूप में क्या मिलेगा, qx, और रिमाइंडर क्या हुआ, आर एक्स हुआ. तो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, हमारा डिविडेंड क्या है, पी एक्स, किससे डिवाइड किया, जी एक्स से, इनटू कोशेंट क्या आया, क्यू एक्स, प्लस रिमाइंडर क्या है, आर एक्स. सो इट इज ओनली कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है. आप जैसे सिंपली छोटे क्लासेज में डिवाइड करते थे और चेक करते थे ना, तो वहां पर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे, जैसे 3 है 11 है. लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा उससे अपर लेवल का आपको पढ़ना है, जहां आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना सीखेंगे और उसको चेक करना भी सीखेंगे. इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. अब इसी पर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें वेरीफाई करना हो, वेरीफाई पी एक्स इक्वल 3x to the power 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 इफ इट इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, दैट इज x माइनस 2. यानी हमें डिवीजन एल्गोरिदम को क्या करना है, वेरीफाई करना है. अगर हमें 3x का पावर 4, 4x का पावर 3, 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से, तो सिंपली आप डिवीजन करोगे. याद रखो, इसको डिवाइड करना है डिवीजन एल्गोरिदम में. सो x माइनस 2 से आपने डिवाइड किया, 3x
to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 को. आपको मालूम है हमें पहले टर्म को किसी भी तरह क्या करना होता है, काट देना होता है. तो यहां x है, यहां x का पावर 4 है, हम जानते हैं यहां 3 है तो 3 रहेगा ही. x क्यूब लिया, x क्यूब, so it will become 3x to the power 4. 3x क्यूब से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x क्यूब हो जाएगा, 6x क्यूब. अब इसको आप क्या करो, सबट्रैक्ट करो. ओके, सो इट विल बी कैंसल्ड. 6 minus 4, this will become 2x cube minus 3x minus 1. यहां का जो sign है, वो sign यहां जाएगा, तो it will be plus. तो, definitely आप क्या रखोगे, सिर्फ 2x square. So, it will become 2x cube. 2x cube हो जाएगा ये. 2x cube, 2x square से 2 में किया, minus 4x square, minus 4x स्क्वायर हो जाएगा. तो इसमें तो कहीं कोई 4x स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे उस समय, ये 4x स्क्वायर जब नहीं है तो इसको बाहर लिखेंगे, यानी यहां पर हमने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लिख दिया, साइन चेंज किया माइनस और ये क्या हो गया प्लस. अभी ये तो कैंसिल हो गया, तो पहले किसको लाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 को. यहां फिर साइन क्या है, प्लस है, यहां साइन क्या दे दिया, प्लस. क्या रखा, सिर्फ 4x, क्या रख दिया 4x, तो इट विल बी 4x स्क्वायर. और 4x से अगर 2 में करते हैं दैट विल बी 8x, 8x. ओके, सो अब देखो माइनस ये हो गया प्लस, देयर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. सो 8 minus 3 क्या हुआ, 5x minus 1, 5x minus 1. So simply हम यहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, है ना, sign क्या है, plus 5 रख दिया, 5x हो गया और this is 5 to the 10, minus 10. So this is minus and this will be plus. क्या remainder आया, 9 is the remainder. अब इसको हमें क्या करना है, check करना है कि हमारा जो division है वो सही है या गलत है. तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे division by division algorithm, by division algorithm, px equal gx into qx plus rx. तो इसमें आपका px क्या है वो देख सकते हैं, px है 3x का power 4, 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. gx क्या है आपका, x minus 2 है. आपका qx क्या आया है, 3x cube plus 2x square plus 4x plus 5 and remainder is plus 9. अब इसको करना क्या है, verify करना है. आप पहले क्या करें, इस x से इसको multiply करें, फिर किस से multiply करेंगे, minus 2 से. तो x से अगर करते हैं तो 3x का power क्या हो गया, 4 हो गया. x से अगर 2 को करते हैं तो कितना आएगा, plus 2x cube हो गया. x से अगर 4 को करते हैं 4x square हो गया. x से 5 को किया 5x हो गया. फिर minus 2 से करते हैं तो 6x cube हुआ, minus प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8x हो गया, एंड देन आफ्टर इट इज 2 5 जा 10 एंड 10 एंड प्लस क्या लिख दिया, 9 लिख दिया. अब जरा यहां देखें, आप 3x का पावर क्या हुआ, 4 हुआ. यहां 2x क्यूब दिखाई दे रहा है और यहां 6x क्यूब दिखाई दे रहा है, 6 में से 2 गया माइनस 4x क्यूब हो गया. उसी तरह यहां 4x स्क्वायर माइनस में और यहां क्या प्लस में, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया. यहां 8x है, यहां 5x है, माइनस 3x, 10 में से 9 गया माइनस 1. आप क्या देख रहे हैं अब यहां पर, कि ये जो आपका सॉल्यूशन आया वह आपके डिविडेंड के क्या है, बराबर है. सो मींस आपका LHS इज इक्वल ऑफ RHS, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए. सो इट इज वेरी फाइट. इस तरह डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो ये कहता है कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिविडेंड है वो बराबर होगा
डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के। और इस तरह ये एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको डिवीजन करना है लॉन्ग मेथड से, और उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से। अब यहाँ तो हमने लॉन्ग डिवीजन किया, तो हम आपको रिमाइंडर निकाल रहे हैं या वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अब विदाउट डिवीजन हम लोग यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को, जिससे हम रिमाइंडर को निकालेंगे। यानी नेक्स्ट क्या है आपका? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी इसमें रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर को प्राप्त करते हैं। सो लेट पी एक्स, इसका स्टेटमेंट देखना, लेट पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल, लेट पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन और मोर, जिसका डिग्री एक या एक से ज्यादा है, वन और मोर, एंड लेट ए बी द ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, देन इफ, सी हियर, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ए। डिवीजन एल्गोरिदम भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसको हम अगर एक्स माइनस, वहां जी एक्स से करते थे, यहाँ एक्स माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? पी ए आएगा। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, यहां पर रिमाइंडर क्या होगा? पी ए होगा। ये आपका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा। अब इस रिमाइंडर थ्योरम पर हम लोग बिना भाग दिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम लोग रिमाइंडर को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके द्वारा हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन देखें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर, बहुत ही आसान है। फाइंड द रिमाइंडर इफ पी एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स एक्स माइनस 2, देन फाइंड द रिमाइंडर। अब हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो आप क्या करोगे यहां पर? सिंपली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यू मस्ट हैव टू राइट दैट वन, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, यहां एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो पी एक्स की जगह पर क्या है? एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1, एंड एट द प्लेस ऑफ एक्स माइनस ए यानी जी एक्स की जगह पर क्या है? एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2। क्या करेंगे अब यहां पर? एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, जहां पी ए रिमाइंडर है। अब यहां ध्यान देंगे आप, सो एक्स माइनस 2 विल बी 0, सो एक्स इक्वल 2, डेफिनेटली एक्स क्या हो गया? 2 के बराबर हो गया। अब इसी एक्स के वैल्यू को, इस एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला, इसको जहां जहां एक्स है वहां हम पुट अप कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आया है? 2 आया है। तो 2 का पावर क्या हो गया? 4
प्लस 2 इंटू 2 का पावर क्या हो गया क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, इधर भी 2 माइनस 2 इंटू क्यू, एक्स की जगह पर 2 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया पी ए। अब यहां देखें ये हो गया 16 प्लस 16 माइनस ये 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1, लेकिन यहां क्या हो गया 0 इंटू क्यू 2 प्लस पी ए। अब क्या करेंगे आप इसको ऐड कर लो, 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 1, लेकिन इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस पी ए, और पी ए क्या है रिमाइंडर है, तो इसको देखो 34 हो गया, 34 माइनस 13 हुआ इक्वल में सिर्फ क्या हो गया पी ए, 34 में से 13 गया दैट विल बी 21, यानी जो पी आया यानी जो रिमाइंडर आया दैट इज 21, दैट इज 21। तो आप क्या देखें कि बिना डिवाइड किए एक्चुअल डिवीजन के इस रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं अगर उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए। तो उसी तरह यहां जरा देखें दूसरा एक और क्वेश्चन समझा दें ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया ढंग से, कि अगर पी एक्स है ना, पी एक्स अगर एक्स क्यूब है माइनस ए एक्स स्क्वायर है प्लस 6x माइनस ए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जी एक्स जो है दैट इज एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इसका प्राप्त करना है। सेम उसी तरह से आप क्या करोगे यहां लिखोगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इज इक्वल ऑफ जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। आप इसको क्या करते हो लिख दोगे पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब आप क्या करो यहां पी एक्स की जगह एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को प्लेस कर दिया, और जी एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए को प्लेस कर दिया इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब यहां देखो हियर इट इज एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस ए इक्वल क्या हो गया 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आया ए आया। अब इसी वैल्यू को जहां जहां एक्स है वहां पर प्लेस कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो एक्स की जगह पर ये ऑलरेडी क्या हो गया ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, और इधर भी क्या हुआ ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस पी ए। सो ए क्यूब माइनस दिस विल ऑल्सो ए क्यूब प्लस 6 ए माइनस ए, लेकिन ये तो पूरा 0 हो गया, सो 0 इंटू क्यू ए प्लस पी ए। ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया कट गया, साइन चेंज है तो 6a माइनस ए दैट इज 5a, एंड हियर इट विल बी ओनली पी ए क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। तो इस तरह आप क्या देखें कि इसमें अगर हम इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालते हैं सो दैट इज इक्वल ऑफ 5a। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा। एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम जरा सा बता दें आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ 2x क्यूब, इफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 एंड 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज डिवाइडेड बाई, इज व्हेन डिवाइडेड बाई आर, एंड आप लिख सकते हो कि ये दोनों पॉलिनोमियल जो है व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू लीव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आप क्या करोगे, बहुत आसान है, जैसे उधर किए ना, तो इसमें दोनों को करना होगा अलग अलग। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब आप क्या करो, 2x³ प्लस x² माइनस ए एक्स प्लस 2, और जी एक्स यानी डिवाइजर के रूप में क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस टू इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। सो हियर x माइनस 2 इक्वल 0, सो x इक्वल 2, x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। अब इसको हम यहां प्लेस कर देंगे, सो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2x² माइनस a इंटू 2 प्लस 2 इक्वल 2 माइनस 2 इंटू क्यू 2 प्लस पी ए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये 8 टू जा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2 हो गया, और इधर ये तो 0 हो गया, 0 इंटू क्यू 2, 0 इंटू क्यू 2 प्लस पी ए। तो 16 एंड 4 कितना हो गया आपको, 20 हो गया, 22 माइनस 2a इक्वल पी ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आया, इक्वेशन नंबर 1 आया, जिसमें पी ए का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 22 माइनस 2a के बराबर आ रहा है। फिर इसी को देखते हुए जो हम लोगों का दूसरा पार्ट है उसको देखिए, यही पर समझो, फिर क्या किया, पी एक्स के जगह पर पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। तो पी एक्स के जगह पर लिख दिया 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस ए इक्वल एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स एंड प्लस पी ए। पी ए हो गया यहां। अब क्या है, फिर यहां देख सकते हैं x माइनस 2 है, सो डेफिनेटली x माइनस 2 इक्वल 0, सो x इक्वल क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इसको लाके यहां पर प्लेस कर देंगे, तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए इक्वल, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस पी ए। ये हो गया 8 टू जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 टू जा 6 प्लस ए इक्वल पी ए। सो 16 माइनस 12 एंड माइनस 6, तो कितना हो गया, 12 एंड 6 18 हुआ, 18 में से 16 चला गया, सो माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2 प्लस ए इक्वल पी ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। और हम देख रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के रिमाइंडर आपस में क्या है, सेम है। तो आप यहां अब लिखोगे According to question, 22 minus 2a is equal. ये इसका remainder है, इसका remainder क्या आया, minus 2 plus a, both are same, दोनों same है, so minus 2a minus a equal minus 2 minus 22, so it will be minus 3a and here this will be minus 24, so a equal 24 by 3, so what it will come, 8, means क्या मिला हमें, a equal 8। इस तरह से ये question काफी important था कि अगर 2x³, ये दोनों जो हमारे polynomial है, अगर इसको x minus 2 से divide करें तो a का value क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं remainder theorem से
ए का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम जिस पर मैंने आपको बताया। अब हम लोग अगले वीडियो में, मैं आपके सामने अंतिम जो इसका पार्ट है फैक्टर थ्योरम उसको लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इसको देखते रहो, बार बार रिप्ले करके देखो, अगर अच्छा लगे तो जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके इस लॉकडाउन के दौरान, बंदी के दौरान। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।